हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। आज जो हमारी 5.2 एक्सरसाइज चल रही है, उसके हमने 7th सम तक कर लिए थे और आगे हम 8th सम से आज स्टार्ट करने वाले हैं। 8th सम की स्टेटमेंट देखिए, इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच 3rd टर्म इज़ 12 एंड लास्ट टर्म इज़ 106। फाइंड द 29th टर्म। एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म है और 50 टर्म जो है उसकी 3rd टर्म हमें दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, हमें 29th टर्म निकालनी है। तो हमें दो कंडीशन यहाँ गिवन है और 29th टर्म निकालनी है। 29th टर्म निकालने के लिए हमें ए और डी चाहिए। ए का मीनिंग फर्स्ट टर्म होता है और डी का मीनिंग कॉमन डिफरेंस होता है। ए और डी अगर हमें मिल जाए तो हम कौन सी भी टर्म निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए, इस सम को हम जल्दी कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी जो 5.2 चल रही है यहाँ पे और 8 से 14 सम तक आज हम करने वाले हैं। हमें एपी कंसिस्ट 50 टर्म लिखा हुआ है, यानी एन दिया हुआ है, वो नंबर ऑफ टर्म लिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म है वो 50 है, एन की वैल्यू 50 है, 3rd टर्म हमें गिवन है और 50th टर्म लास्ट टर्म, देखो उसमें है ही 50 टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म दे रखी है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो 50th टर्म दे रखी है हमें। लास्ट है 50 टर्म है उसके अंदर, तो लास्ट 50th टर्म ही हुई, वो 106 दे रखे और 29th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, A3 को हम क्या राइट कर सकते हैं, A+2D। फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ जो भी टर्म होती है वो डी के साथ एक कम आता है, तो A3 का मीनिंग होता है A+2D और इक्वल 12 दे रखा, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली जो A50 है वो हो जाएगा A+49D इक्वल 106, ये सेकंड इक्वेशन होगी। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, फर्स्ट हमने ऊपर लिख ली, सेकंड ये जो इक्वेशन हमारी बनी वो नीचे लिख ली। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए, माइनस का 49D और प्लस का 2 है तो ये -47D हो गए। इसको हमने माइनस किया तो -49, कैलकुलेशन की डी की वैल्यू 2 आ गई और ये डी की वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट डी इक्वल टू इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हमने डी की जगह 2 पुट किया, सॉल्व किया तो ए आ गया। ए और डी दोनों आ गए, अब हम 29th टर्म बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ए 29th टर्म निकालना है तो वो होता है A+28D। ए और डी दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, कैलकुलेशन कर दी, जो हमारी 29th टर्म है वो हमारी 64 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से करने हैं हमें, जो टर्म गिवन होती है उनको जर्नल फॉर्म लिख लिया करें। ए 3rd टर्म है तो A+2D होगी, इधर 50th टर्म है तो A+49D हो गई और इक्वल ये इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते ए डी आ जाता है और बड़ी आसानी से ये सम हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ जाते हैं। 9th सम की मैं स्टेटमेंट समझा रहा हूँ। इफ़ दी 3rd एंड 9th टर्म ऑफ ए पी इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। 3rd टर्म गिवन है यहाँ पे, 9th टर्म गिवन है, तो 3rd और 9th, 3rd मतलब A3 गिवन है 4 के इक्वल, तो A3 को क्या लिखोगे, A+2D। A+2D इक्वल किसके आ गया, 4 के, और इधर 9th टर्म है, 9th टर्म को क्या लिखोगे, A+8D, वो किसके इक्वल आ गया, -8 के। दो इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, सॉल्व करो, ए और डी दोनों यहाँ से आ जाएंगे, ए और डी हमारे को यहाँ से मिल जाएंगे। अब आगे पूछ रखा है कि विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी ये बताना है। तो हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, लिखेंगे लेट ए एन इक्वल 0, यानी अंत टर्म 0 मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे, ए एन इक्वल 0 लिखोगे, ए एन इक्वल 0 लिखोगे। ए और डी की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई, ए और डी यहाँ आ गई और ए एन है उसको 0 मान लिया, तो जो ए एन का फार्मूला होता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, उसके अंदर ए एन की जगह 0 लिखोगे, ए की वैल्यू जो यहाँ से आने वाली वो लिखोगे, डी है वो यहाँ लिखोगे। सोल्व करोगे आप तो वहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू इस सम में 5 आएगी, यानी हमारी जो 5th टर्म है वो 0 होगी, यानी ए एन हमने सपोज किया था, यानी किसी में 5 आ गया, यानी ए 5 है वो 0 आया हमारा, तो 5th टर्म इसमें 0 होगी। आप इसको ट्राई करेंगे, मैंने बॉल करके इसको समझा दिया है औरली तौर पे, तो उम्मीद करता हूँ ज़रूर समझ में आ गई। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, मोस्ट वेलकम, आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, पर्सनल विंडो पर सेंड कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप हमें बताएँ, हम आपकी हर प्रॉब्लम को तुरंत उसका समाधान कर देंगे। नेक्स्ट हम 10th सम की तरफ बढ़ते हैं। द 17th टर्म ऑफ ए एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ये कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो
ज़्यादा है, एक्सीड है 10th टर्म से, 7 ज़्यादा है वो 17वीं टर्म। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, लैंग्वेज में लिख रखी है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे हम तो इसका ये बनता है। देखिए कह रहा है 17th टर्म, तो ऐसे लिखेंगे 17, और वो ज़्यादा है 10th टर्म से, 7 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 7th टर्म से, 10th टर्म से 7 ये ज़्यादा है, तो बराबर हमें तो इक्वल रखना है ना, हमें इक्वेशन बनानी, इक्वल रखना है, दोनों साइड बैलेंस रखना है, तो इधर 7 ज़्यादा है तो हम इधर 7 ऐड कर देंगे, अब इक्वल बन गया, ये इक्वेशन बनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ये बनेगी जो हमें स्टेटमेंट लैंग्वेज में दे रखी है, उसको रीड अच्छे से करेंगे और मैथमेटिकल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा ए 17 जो टर्म है वो इक्वल होगी ए 10th प्लस 7, ये 7 ज़्यादा है तो इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा तभी इक्वल होगी। ए 17 को ए प्लस 16 डी लिखेंगे, ए 10 को ए प्लस 9 डी लिखेंगे, ए से ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो दोनों साइड सेम साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं, पता होगा इस चीज़ का आपको, तो ए से ए कैंसिल हो गए, सोल्व किया डी की वैल्यू, डी वाले एक साइड कर लिए, कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड, डी की वैल्यू 1 आ गई, बहुत इजी सम है। नेक्स्ट सम देख लीजिए, 11th सम, 11th सम कह रहा है कि विच टर्म ऑफ ए एपीज 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये कह रहे हैं कि इस जो एपी दे रखी है इसमें कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर है, कौन सी टर्म 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है, तो 132 ज़्यादा वाले टर्म हम वही सपोज कर लेंगे। 11th सम को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, हमने लेट कर लिया, लेट अंत टर्म इज 130 मोर देन इट्स 54th टर्म, हमने सपोज कर लिया ये कि लेट अंत टर्म इज 130 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो an है वो हमने मोर 154th टर्म है, 132 मोर इट्स 54th टर्म कर लिया है, तो an है वो किसके इक्वल होगा, a 54, ये 132 ज़्यादा है तो इसमें 132 ऐड करना पड़ेगा, ये इक्वेशन बनेगी। अब ए एन को ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखते हैं, ए 54 को ए प्लस 53 डी लिखते हैं, ए और ए से ए यहाँ कैंसिल ही हो रहा है, और यहाँ डी की वैल्यू कहाँ से लिखोगे, हमें ए पी गिवन है, ए पी गिवन है तो वहाँ से ए भी आ जाता है, डी भी आ जाता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू तो पुट करने की जरूरत ही नहीं, पहले कैंसिल हो रहा है, डी की वैल्यू हमारी जो 12 आई वो पुट कर दिया, यहाँ ए की वेरिएबल एन बचा, सॉल्व करते गए एन की वैल्यू हमारी 65 आ गई, एन 65 आ गई, इसका मतलब जो अंत टर्म माना 65th टर्म है वो 65th टर्म इज़ 130 मोर देन इट्स 54th टर्म, 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा जो टर्म होगी वो 65वीं टर्म होगी, 64th टर्म होगी जो 54वीं टर्म से 132 मोर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अच्छा समय एक्सरसाइज का, फेमस क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट सम हम 12th सम की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा सम है। स्टेटमेंट देखिए अच्छी से, 12th सम की, टू ए पी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो ए पी है यहाँ पे जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए आप कि दो ए पी है यहाँ पे और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ए पी अलग अलग है, टू ए पी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो दो ए पी है यहाँ पे, देखिए सम को करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, टू ए पी है यहाँ पे, तो हमने इसको फर्स्ट ए पी लिखा, हमने फर्स्ट ए पी है वो ए जनरल टर्म लिखी, हमने जनरल टर्म ए होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह सोन हम स्टार्टिंग की 3-4 टर्म लिख लेंगे। सेकंड ए पी में डिफरेंस कर दिया, ए डैश कर दिया हमने, टर्म अलग है, ए डैश ए डैश डी, ए डैश 2d, ए डैश 3d, डी कॉमन डिफरेंस सेम है, टर्म अलग हुई है, डैश से चेंज कर दिया हमने, डैश का मीनिंग सेकंड एपी की बात होगी और ए का मीनिंग फर्स्ट एपी की बात होगी, तो ये जनरल टर्म हमने लिखी है दोनों एपी की स्टार्टिंग वाली। अब हम इस ए हंड्रेड का मतलब है फर्स्ट एपी की 100th टर्म, और माइनस में ए डैश का मीनिंग है सेकंड एपी की 100th टर्म, हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं दोनों का 100th टर्म का, इसकी भी 100 टर्म ली और इसकी भी 100 टर्म ली, तो इसकी ए 100 को क्या लिखोगे, ए प्लस 99 डी होता है, माइनस
और इसके लिखोगे तो ए डैश प्लस 99 डी। अब ये माइनस को हमने अंदर सॉल्व कर दिया तो ये माइनस हो गया, माइनस 99 डी से प्लस का 99 डी कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस ए डैश बचा। ये डिफरेंस आया है हमारे अकॉर्डिंग, हमने डिफरेंस निकाला है इसको 100th टर्म का, और ये 100th टर्म का डिफरेंस हमें स्टेटमेंट में गिवन है, लिखा हुआ है साफ साफ कि 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। तो 100 हमने ये निकाला और ये हमें गिवन है, तो ये इक्वल 100 के गिवन हो जाएगा, क्योंकि ये भी 100 टर्म का डिफरेंस है और ये भी 100 टर्म का डिफरेंस है, तो दोनों के दोनों इक्वल हो गए। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, 100 टर्म का डिफरेंस हमने निकाला और स्टेटमेंट में गिवन भी था, दोनों को इक्वल रखा और हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से तैयार हो गई। इसको नेम हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। सेकंड देखिए नेक्स्ट पेज पे, अब हमें निकालना इसमें क्या है, हमें निकालना है 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 1 टर्म का डिफरेंस है वो होगा 1000 मतलब पहली एपी की 1000वीं टर्म है और ये दूसरी एपी की 1000वीं टर्म है, इक्वल यहाँ ए प्लस में 99 डी हो जाएगा और माइनस में यहाँ ए डैश प्लस 999 डी हो जाएगा, और इस माइनस को अंदर सॉल्व किया तो 999 से 999 ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा ए माइनस में ए डैश आ जाएगा, और ये हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ए माइनस ए डैश किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, तो ये हमारा यहाँ 100 के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, रीज़न लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ए माइनस ए डैश आया है और ए माइनस ए डैश हमारा फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ 100 के इक्वल है, तो हम ए माइनस ए डैश को हम 100 लिख सकते हैं, यानी हमारी 1000वीं टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। तो इसी तरह हम इस सम को करना है, अगर 500वीं टर्म का डिफरेंस पूछ लेता तो ये कैलकुलेशन होती और उसमें भी 100 आता, हंस डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज़ 100 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अच्छा समय आप उसको 2-3 बार अच्छे से देख करके और ट्राई करेंगे। हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो सम है हमारा 13th सम है। 13 सम में हाउ मैनी 3-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, हाउ मैनी 3-डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, ऐसे कितने नंबर हैं, 3-डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हो, यानी हमें एपी बना लेनी है। देखिए 3-डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो 3-डिजिट नंबर पहला कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो, तो 105 होता है पहला 3-डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, 3-डिजिट का होना चाहिए और 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 3-डिजिट का पहला तो 100 है बट वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 105 है, इसमें फिर 5 7 7 प्लस करते जाए और लास्ट से 300 का ये है जो 7 से डिविजिबल है, इससे आगे वाले जो 300 के हैं वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारी एपी बन गई। देखो यहाँ ए तो फर्स्ट टर्म ये 105 होगी और डी है वो 7 7 का डिफरेंस है यहाँ पे, और ये हमारी क्या, ये अंत टर्म है ए एन, इसको ए एन मानेंगे, ए और डी हमें यहाँ से मिल गए, ए एन का फार्मूला इसमें पुट कर दिया, सॉल्व कर लेना इसको, जो एन आएगा वो टर्म हमारी ये होगी। मान लो एन की वैल्यू इसमें 50 आ जाती है, सपोज करें हम एक बार एन की वैल्यू 50 आ जाती है, तो 50th टर्म होगी ये, और इसके आगे कोई टर्म है ही नहीं, तो ये सारे नंबर हुए कितने, 50 नंबर हुए। अगर n की वैल्यू 60 आ जाती है तो ये 60 टर्म हुई, और इससे आगे कोई टर्म है ही नहीं, मतलब ये टर्म कितनी होगी, 60 टर्म होगी। तो ये हमने हिंट दिया है यहाँ पे, पूरा सम मैंने सॉल्व नहीं किया है, a d और a n आगे इस फार्मूले में पुट करना है, a n की जगह आप 994 लिखोगे, a d लिखोगे, n की जगह n रहेगा, n की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर देंगे, बहुत ईजी सम है। 14th सम देखिए जल्दी से, 14th सम में भी हमें 14th सम के अंदर हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250, ये कह रहा है 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे, तो मल्टीपल ऑफ 4 10 और 250 के बीच में देख लीजिए क्या होता है, 10 के बाद मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है, 12 आता है, 12 16 20 और 248 लास्ट आएगा, 10 और 200 के बीच में ये नंबर होंगे जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं। ये नंबर हमने राइट कर लिए मल्टीपल ऑफ 4 वाले, और मल्टीपल ऑफ 4 राइट करने के बाद हमारी ए है वो 12 हो गया, डी कॉमन डिफरेंस है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस की डी 4 आ गया, अंत टर्म हमारी ये आ गई,
तो अब ए एन वाले फार्मूले में पुट करना है, जैसे 13 सम में करना है, और सॉल्व करके एन निकालना है। एन हमारा जो भी आ जाएगा उतने मल्टीपल होंगे जो इनके बीच में होंगे, तो हमें एन इसमें निकालना है, एन इसमें निकालना है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 14 सम तक हमें कर लेने हैं, 5.2 हमारी चल रही है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज अंत टर्म का इस फार्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी पे बेस्ड है, और सभी ने होमवर्क समय से करके सेंड कर देने हैं। और किसी भी सम में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मोस्ट वेलकम, आप हमें भेज सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देंगे। और होमवर्क समय से सेंड कर देने, ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बट होमवर्क सभी का नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएँ और सभी होमवर्क करें।